के होने भर से हमारी थाली में है अन्न, यदि वो ना रहे तो हमारा जीवन बन जाए निर्धन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किसान की, जो फसल उगाने में सिर्फ खाद और बीज ही नहीं डालता बल्कि अपना खून पसीना भी लगा देता है। अगर ये ना हो तो खेतों में कौन फसल उग जाएगा? फिर जरा सोचो कैसे हमारा देश महान कहलाएगा। जैसा आप सबको पता है, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, जहां 70% आबादी कृषि पर ही निर्भर है। उस देश के किसान यानी हमारे उसके सम्मान में जो करोड़ों का पेट भरता है मगर शायद कभी कभी खुद भूखा सोता है, लेकिन फिर भी मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटता है। धूप है, छाव है, जलते तेरे पांव है, धारा के विपरीत सदा बहती मिट्टी को खेतों के नाम जवानी लिखी, खलिहानों में रौनक भर कर किसान ने अपनी कहानी लिखी। निकडोर है वो कुर्बानी की उम्मीद, उन्हीं से रोशन है अरनी वाले से रिश्ता उसका, घर में उसी से है पोषण है। सख्त कहीं तो इसने सबर से काम लिया, खाली ना रहने दी थाली जिस थाली को इसने थाम लिया। जब वक्त पड़ा था सख्त कहीं तो इसने सबर से काम लिया, खाली ना रहने दी थाली जिस थाली को इसने थाम लिया। खुशहाली की जो खाई कसम कोई चेहरा न फिर मुरझाने दिया, खेतों में सजा दी हरियाली और फसलों को लहलहाने दिया। डोर है वो कुर्बानी की उम्मीद उन्हीं से रोशन है अरनी वाले से रिश्ता उसका, घर में उसी से है पोषण है। हमेशा से किसान प्रकृति पर आश्रित रहा है, बारिश हुई तो उसके खेत लहला उठते और यदि नहीं हुई तो उसके सामने कई चुनौतियां मुंह खोले खड़ी रहती। बोली कि अम्मा, अगर इस बार बारिश अच्छी हुई तो हमारे खेत लहला उठेंगे और फसलें अच्छी होंगी, इसे बेचकर हम हमारा सारा कर्जा चुकता कर देंगे और उसके बाद हम भोली की शादी भी कर सकेंगे और गोपाल को आगे पढ़ने के लिए शहर भी भेज सकेंगे। आज मेरे भोली के पापा, अब बस भगवान का ही सहारा है, हमने तो बस मेहनत कर दी, अब सब उनके हवाले। हर पथ खूब जल रहा पड़ रहे पांव में छाले हैं, कल तक थे जो हरे पत्ते आज वही आंगन में काले हैं। गांव मेरा खूब उबल रहा, किसान का खेत अब आपके हवाले है, बरसा दो अब बरसा दो, कई गरीब के सूखे प्याले हैं।
बादल बिना बस से चले गए बोली की अम्मा, अब क्या होगा बोली की अम्मा, अब क्या होगा। बादल तो आए लेकिन बिना बस से ही चले गए। उसके बाद किसानों में निराशा की लहर व्याप्त हो गई। सभी किसान परेशान हो गए। बैंक और लेनदार उनके ऊपर दबाव बनाने लगे। अरे तामले, अब हमको चल के आना पड़ेगा तेरे घर पैसा लेने। साहब, इस बार बरसात ने सब बिगाड़ दिया। साहब, जब होली थी तब नहीं हुई, फसल बर्बाद हो गई। साहब, आप मुझे 10 दिन का और वक्त दे दो, मैं कैसे भी करके। उधर खड़ा होकर बात कर। आप बोलेंगे तो मैं कल जाके आपके मैनेजर साहब से बात करेगा। साहब, मैनेजर से बात करेगा तो हम के चपरासी है। शर्म आ रही है।
ये जो योजनाएं चला रही है उससे किसानों का जीवन और भविष्य बेहतर हो रहा है। उनके उज्जवल भविष्य और उनकी बेहतर जिंदगी के लिए सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं उससे किसान ना ही केवल अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं, अपने वर्तमान को भी बेहतर बना सकते हैं। कोई किसान कर्जदार नहीं रहेगा और उनका जीवन बेहद सरल सुगम होगा। पत्रकार महोदय जी, मेरा एक आपसे प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, क्या आप उत्तर देंगे? अरे क्यों नहीं, जरूर। अच्छा तो ठीक है, बताइए अगर एक किसान ट्रैक्टर लेने जाए और वहीं एक बिजनेसमैन एक मर्सिडीज लेने जाए तो किसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा? बस इतनी सी बात, जाहिर सी बात है किसान की ट्रैक्टर का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। गलत जवाब, मर्सिडीज का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% और ट्रैक्टर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% होगा। पत्रकार महोदय जी, अब आप बताइए कैसे आप किसानों के उज्जवल भविष्य की बात कर रहे हैं? जिस देश की ये व्यवस्था है वहां कैसे किसानों का भविष्य उज्जवल हो सकेगा? यही नहीं, हर वर्ष 10,281 किसान मौत को गले लगाते हुए आत्महत्या करते हैं। जिस देश में किसानों की दुर्दशा पे बात ना करते हुए उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास ना करते हुए अरबों रुपए आईपीएल और मनोरंजन के नाम पर खर्च कर दिया जाता है, जहां टीवी न्यूज चैनल ये तो दिखाते हैं कि विराट कोहली ने
सक्कू की हाफ सेंचुरी लगा दी। दिन रात हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के विषयों पर तो चर्चा होती है, लेकिन शायद ही कभी किसानों के कर्ज और उनकी दुर्दशा पर चर्चा होती है। वाह रे दुनिया, तेरा भी रंग निराला है, जो उगता है उसे ही सलाम करना शायद तुझे यही समझ आता है। हमें जागना होगा और बदलना होगा उनके हालात को, वरना एक दिन हमारा भी यही हाल होगा। कर्मशील है, दानी है वो, अन्न हमें दे जाता है, किसान है वो जो खुद मिटकर भी जग का पालन कर जाता है। बहुत ही भाव विभोर करने वाला प्रस्तुति रहा। एक रोज हमसे भी किसी ने कहा था, किसान की बेटी हो तुम, कॉफी का स्वाद क्या जानो। तो हमने भी बड़ी अदब से जवाब दिया, आई को शेट ठोक दीजिए महाकाल का, दबा कर लाइक शेट ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।